नेचुरल शेड और आई एम रेड. दैट्स अबाउट इट. मैं आई डोंट प्ले अराउंड मच विथ माई लिप कलर्स. एंड या आई गेस मुझे हुडा भी बहुत. इनफैक्ट लिपस्टिक्स के बारे में आई थिंक मोर देन द शेड हाउ यू अप्लाई इट एंड वॉट यू डू विथ इट इज मोर इम्पॉर्टेंट. आई डोंट लाइक आई लाइक टिंट्स यू नो जहां पे एक आपको एक जस्ट एक थोड़ा सा फीलिंग है कि लिपस्टिक लगाया है बट इट्स अ पार्ट ऑफ योर मेकअप और इट्स अ पार्ट ऑफ योर फेस. ऐसा नहीं कि लिप्स बिल्कुल ही कुछ बाहर आ रहे हैं. ऑल्सो बिकॉज आई थिंक मेरे फेस का एवरी फीचर इज वेरी प्रोनाउंस्ड. इट्स लाइक माई लिप्स आर फुल, माई आईज आर बिग, माई नोज इज शार्प. सो इसीलिए आई थिंक आई हैव टू बी वेरी केयरफुल टू कीप इट वेरी नेचुरल एंड नॉट टू गो ओवरबोर्ड विद इट. सो कोई भी लिपस्टिक लगाने के बाद आई मेक एन एफर्ट टू जस्ट मिक्स इट विथ माई फिंगर्स और जो भी एक्सेस है मैं वो निकाल देती हूँ. एंड आई थिंक दैट रियली वर्क. इट स्टेज ऑल्सो लॉन्गर, प्रोडक्ट बहुत कम लगता है. एंड प्लीज प्लीज इन्वेस्ट इन अ गुड लिपस्टिक. सो हुडा रियली वर्क फॉर मी बिकॉज Huda is again very very high on pigmentation and thoda so you just need a little product, just smear it all over your lips and you are like you know good to go. So that's it I guess. Baki makeup products actually bahut zyada hai mere paas but I land up using the same products just yeah maybe a little change here and there. And next thing is about my hair. A lot of people ask me ki what's with your hair, it's very thick, it's very nice, it's dense, full of volume. So I would like to say yes, all of it is true. Lekin I was never blessed with soft silky skin hair. मेरे ओरिजिनल बालों का अगर टेक्सचर देखा जाए तो इट्स वेरी फ्रिजी, इट्स वेरी ड्राई, इट्स वेरी रफ, इट्स वेरी वियर्ड. तो बालों के लिए भी मुझे बहुत सारा ट्रीटमेंट्स करने पड़ते हैं. सॉफ्टनिंग प्रोसेस होता है, स्पा होता है, आजकल मार्केट में क्या क्या बोटॉक्स ये वो क्या क्या सब कुछ आया है. सो आई हैव डन इट ऑल ऑन माई हेयर एंड माई हेयर इन फैक्ट रिक्वायर्स मोर ट्रीटमेंट देन माई स्किन बिकॉज माई हेयर इज रियली फनी. तो बट बाय द ग्रेस ऑफ गॉड इन सब कुछ करने के बाद भी थिकनेस अभी भी है वैसी, थिकनेस ज्यादा कॉम्प्रोमाइज नहीं हुई है. बट या लाइक आई सेड कि व्हेन योर हेयर इज इन प्लेस, when your makeup is in place, when your skin is in place, everything is in place, it's only then that you get the complete look. Of course your body also. I wanted to share this video with all of you. And I really hope that maine aaj jo bhi share kiya hai it's been helpful. Mere ko ye ek NARS ka ek lip color dikh raha hai. अगेन सुपर पिगमेंटेड, इसका नाम क्या है, Somebody to Love. सुपर सुपर पिगमेंटेड, वेरी पिगमेंटेड, थोड़ा सा लगता है एंड इट स्टेज फॉर एवर. दिस इज वन वेरी इंटरेस्टिंग थिंग आई केम अक्रॉस, वॉटर फिट टिंट. कौन से ब्रांड का पता नहीं है, ऑलमोस्ट खत्म सा हो गया प्रोडक्ट. लेकिन ये बिल्कुल एक लगता ना कि जूसी लिप्स वाला एक फीलिंग, नेचुरल टिंट वाला फीलिंग देता है. आई एम नॉट गोना अप्लाई इट बट स्टिल ओके. सो या सो आई लाइक दिस ऑल्सो ऑन डेज यू नो बट आई जस्ट वॉन्ट टू पुट लाइक अ नेचुरल टिंट काइंड ऑफ अ थिंग. आई यूज दैट एज वेल. सो आई गेस मेरे प्रोडक्ट्स के लिए, मेरे मेकअप के, हाँ दिस इज गाइज 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 आई हैव टू यूज दिस. ये मैंने कुछ दिनों पहले यूज किया था एंड अ लॉट ऑफ पीपल हैड आस्क्ड मी फॉर दिस वन. सो दिस इज अगेन डेमी मैट range from Huda Beauty and iska naam hai Game Changer. Really nice, like a fresh pouty fresh lip color. Yeah, that's about it. So yeah, I guess and I think one more thing I wanted to talk about is maybe
स्किन को रिलेटेड होगा एंड इट्स अबाउट कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स. यू नो अ लॉट ऑफ पीपल हैव अ लॉट ऑफ मिक्स्ड ओपिनियन अबाउट कॉस्मेटिक प्रोसीजर, करने हैं नहीं करने हैं. आजकल फिलर्स, बोटॉक्स और ये लिफ्ट और वो लिफ्ट, इतना कुछ कुछ है अवेलेबल मार्केट में. एंड यू नो इट्स वेरी फनी बिकॉज एज एन आर्टिस्ट, नाउ दिस इज अ सीरियस थिंग दैट आई वॉन्टेड टू टॉक अबाउट, लाइक एज एन आर्टिस्ट यू नो इतना इतनी आदत हो जाती है हमको एक तरीके से देखने की. एंड अगर हम उस चीज को मेंटेन करते हैं तो हमें फेक बताया जाता है, हमें बताया कि हाँ तो क्या प्लास्टिक सर्जरी की दुकान है, ये है वो है. और अगर हम नेचुरल की तरफ जाते हैं तो अरे वो बात नहीं रही, अरे शी इज नॉट लुकिंग एज गुड, अरे गॉड नोज व्हाट्स हैपेंड टू हर. सो यू नो इट्स अनफॉर्चुनेट कि दोनों तरफ से लोग बात करते हैं, विच इज नॉट फेयर, यू नो. सो आई थिंक थोड़ा सा यू हैव टू स्टेप इन आवर शूज एंड आई अंडरस्टैंड कि इट्स अ विजुअल मीडियम एंड एक तरीके से देखना जरूरी है. और आई ऑल्सो फील कि टू ईच इट्स ओन, मतलब मैं इस चीज को ना ही सपोर्ट करती हूँ और ना ही उसके विरुद्ध हूँ. अगर आपको लगता है कि आपको लिप, क्या बोलते हैं, सर्जरी करने के बाद, लिप फिलर करने के बाद अगर आपको वो कॉन्फिडेंस आ रहा है आपके लिप्स के बारे में, आपके फेशियल फीचर्स के बारे में, तो यू शुड एब्सोल्युटली गो फॉर इट. अगर आपको लगता है कि नहीं आपके डार्क सर्कल्स बहुत है, आपको फिलर्स कराना है, जस्ट डू व्हाट एवर यू वांट टू डू बिकॉज पीपल आर गोइंग टू टॉक एनीवे. बट एट द एंड ऑफ इट इफ यू आर हैप्पी विथ इट, यू गेट इट डन फ्रॉम अ राइट पर्सन, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. प्लीज डू नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन योर डॉक्टर देयर. यू गेट इट डन फ्रॉम द राइट पर्सन एंड आई थिंक यू हैव टू बी हैप्पी. अगर आपको लगता है कि नहीं, यू नो आई एम फाइन विथ माई डार्क सर्कल्स एंड आई एम फाइन विथ द वे आई लुक, इफ यू आर फाइन सो बी इट. एंड आई जस्ट वॉन्ट टू से टू एवरी वन की हर बंदे या बंदे की चॉइस को आप रिस्पेक्ट करें. अगर एक बंदी करना चाह रही है कुछ फेस के साथ तो प्लीज रिस्पेक्ट इट बिकॉज यू नो शी वॉन्ट्स टू लुक इन अ पर्टिक्युलर वे एंड यू हैव टू रिस्पेक्ट दैट. एंड अगर वो नहीं करना चाहती तो ये भी उसका चॉइस है एंड यू हैव टू रिस्पेक्ट इट. लेकिन ऐसे किसी को सोशल मीडिया पे डीमीन करना, एंड आई एम नॉट सेइंग दिस बिकॉज एक्चुअली बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मुझे नहीं मिलते ऐसे कोई कमेंट्स, बट आई फील वेरी बैड जब लोग बिना सोचे समझे इतना कुछ अनाप शनाप बोल जाते हैं. सेंसिटिविटी नहीं है लोगों के चॉइस को लेकर, वो अपनी जिंदगी कैसे जीना चाह रहे हैं इस चीज को लेकर सेंसिटिविटी नहीं है. तो आई थिंक सेंसिटिविटी रखना जरूरी है. यू कैन गिव योर ओपिनियन बट बी काइंड व्हेन यू आर गिविंग योर ओपिनियन, दैट्स अबाउट इट. बाकी आप फैन हो और आपका ओपिनियन हमारे लिए बहुत मैटर करता है, लेकिन थोड़ा प्यार से अगर बोल दो, अगर कोई चीज पसंद भी नहीं आए फेयर इनफ, लेकिन प्यार से बोल दो कि यार ये ना अच्छा नहीं लग रहा है, पहले अच्छा था. जैसे मुझे बहुत बताया जाता है कि मे आई कम इन मैडम के वक्त मेरा ऐसे बिल्कुल ऐसे गोलगप्पा जैसे चेहरा था वो लोगों को बहुत अच्छा लगता था, विच इज फाइन. आई मीन आई अप्रिशिएट दैट. और लोग बड़े प्यार से ये कहते हैं कि यू नो वो फुल फेयर, यू नो फेस वॉज वेरी नाइस, बट ऑब्वियसली वो हेल्दी नहीं था बिकॉज तब मैं लाइक आई सेड किसी हार्मोनल प्रॉब्लम से जा रही थी. सो आई अप्रिशिएट दैट. बट ये कहना कि कोई मोटा हो गया है, कोई पतला हो गया है, डिरोगेटरी स्टेटमेंट्स प्लीज अवॉइड बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ नेगेटिविटी आउट देयर ऑन सोशल मीडिया. So, yeah, I guess that's about it. And I hope ये video आपके लिए helpful रहा होगा. And कुछ और अगर आप लोगों को मुझसे पूछना हो तो आप जरूर पूछें. ऐसे कभी मौका मिलेगा तो I'll record it and I'll share it with you. Thank you guys.